अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली शॉपिफाई के ऊपर साइन अप करेंगे और देखेंगे कि ये सारे काम किस तरह से होते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से हम साइन अप कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बेसिकली एक ईमेल मैंने सेटअप की है जो कि मेरे पास यहाँ पे है। सिंपल मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे स्टार्टअप फ्री ट्रायल कर दूंगा। सिंपल यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे स्टोर नेम का। तो सिंपल हमने क्या करना है, स्टोर नेम कोई भी रख सकते हैं बाद के अंदर, ये कोई डोमेन नहीं है। बाद के अंदर जो भी कस्टम डोमेन आप इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ राइट नाउ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक स्टोर, मैं अपने नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक दैट। नेक्स्ट कर दिया, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम जस्ट स्टार्टिंग एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लोकेशन देंगे, पाकिस्तान जो है, ये जो भी आपका लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करेंगे, क्रिएट ए शॉपिफाई ट्रायल अकाउंट। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू विद जीमेल। आई डोंट नो क्यों ये दोबारा से जीमेल मांग रहा है, लेकिन हमने स्टार्ट के अंदर ईमेल यहाँ पे ऐड कर दी थी। ओके, तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मज़ीद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। ओके, हमने सक्सेसफुली साइन अप कर चुके हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ चुका है। अगर मैं इसको इस तरह से व्यू करूँ तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारा स्टोर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इस पर कोई काम नहीं किया। तो यहाँ तक हमने बेसिक साइन अप कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मज़ीद इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।